तो आज सभी घाट के आप लोगों को दर्शन करा दिए बढ़िया करके, मज़ा आया आज। लेकिन धूप पूरी तरीके से निकल चुकी है, अब शाम का समय हो चुका है ना, हवा चलनी स्टार्ट हो चुकी है। चलते हैं हम भी आज, बाकी आप लोगों को सभी मेन घाट के दर्शन कराएं, क्योंकि सामने से धूप पड़ रही है, सामने मुँह पर पड़ रही है ना, इसलिए आपको लग रहा होगा, चमक रहा होगा ना। दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज है 9 मार्च और 9 मार्च के दिन एक बार हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ पहुंच चुके फिर से हरिद्वार हर की पौड़ी, और यहीं से आज तुम्हें फिर से एक बार माँ गंगा के दर्शन कराने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दो, और आज की वीडियो की स्टार्टिंग जो हो रही है वो हो रही है ब्रह्मकुंड घाट से। 9 मार्च के दिन आप लोगों को पता ही था कल थी महाशिवरात्रि, लेकिन कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कितनी ज़्यादा भीड़ थी। दोस्तों आप लोग देख सकते थे कल वाली वीडियो में, लेकिन आज भी भीड़ कहीं ना कहीं बरकरार है। आप लोग देख सकते हो, ये देखो पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि घाट खाली हो चुके हैं, लेकिन भीड़ अभी भी जा रही है। आप लोग देख ही सकते हो सभी घाट पे अभी भी श्रद्धालु पहुंचे स्नान करते हुए दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें पूरी तरीके से। ये देख लो चारों तरफ देख सकते हो, सामने रहा मेरा ब्रह्मकुंड घाट, यहीं से चलेंगे बाकी मेन घाट तक, दर्शन कराएंगे आप लोगों को सभी घाट के। तो लेकिन आप जल देख लो आज, अब जल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, आप देख सकते हो। जो मतलब कि कल परसों बारिश की वजह से थोड़ा सा जल में हमें रेता जैसा देखने को मिल रहा था, लेकिन आज जल अब धीरे धीरे क्लियर हो चुका है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देख लो, लेकिन काफ़ी भोले के भक्त भी आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जो बाकी और आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँचे पूरी तरीके से देख सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों पूरी तरीके से, लेकिन आज मौसम भी पूरी तरीके से साफ है, आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन काफ़ी श्रद्धालु आज भी हमें स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। और आप लोगों को बता दो, अभी घाट पे जल तो उतना नहीं है दोस्तों, लेकिन घाट पे जल पूरी तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कम कर रखा है, आप लोग देख ही सकते हो पूरी तरीके से। चलते हैं ऐसे धीरे धीरे और मेन घाट की ओर, और दर्शन कराते हैं आप लोगों को उन घाट के। चलो ये देख सकते हो दोस्तों, सामने वाले घाटों पे भी काफ़ी मात्रा में भीड़ है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से, यानी कि शिवरात्रि के बाद भी आप लोग पूरी तरीके से भीड़ देख सकते हो सामने वाले घाटों पे। ये देखो, और ये सामने रहा मेरा महिला वाला घाट, और सामने भी चलते हैं वहाँ के दर्शन भी कराते हैं आप लोगों को। चल ये देख लो दोस्तों, शिवरात्रि के बाद भी पूरी तरीके से भीड़ देख सकते हो सामने वाला घाट पे। देख लो सामने रहा मेरा महिला वाला घाट, जो आपको पूरी तरीके से वहाँ पर भी भीड़ देखने को मिलेगी, ये देख सकते हो। और मैं हूँ मालवी घाट पे खड़ा, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं, ये देख सकते हो पूरी तरीके से काफ़ी लोग बैठे हैं। और लेकिन धूप बड़ी प्यारी लगी है पूरी तरीके से, ये देख लो स्नान करते हुए भी आप लोगों को काफ़ी लोग दिखेंगे। ये देखिए पूरी तरीके से घाट खाली नहीं है दोस्तों, भीड़ अभी जारी है। और आप लोग अब सावन में आना मत भूलना, सावन में तो हर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए पूरी तरीके से, और दर्शन कराएंगे सावन में भी पूरी तरीके से, ठीक है। और चलते हैं उसके बाद धीरे धीरे सामने घाट की ओर, और दर्शन कराते हैं कुछ वहाँ के भी, उससे पहले आप लोग इस मालवी घाट के पूरी तरीके से दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए देखो दोस्तों, घाट पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी, और उसकी वजह से कितना ज़्यादा ढेर लग गया है। देखो पन्नी या पॉलिथीनों का ढेर देख सकते हो पूरी तरीके से, ये देखो देख सकते हो आप। बाकी अभी तो सफाई हो गई है, इसलिए आपको कम देखने को मिल रहा है, नहीं तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी पूरी तरीके से। लेकिन आज घाट थोड़ा बहुत साफ हो चुका है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से, और जगह जगह भी इकट्ठे कर रखे हैं। देखो ये पन्नी है, पॉलिथीन है, ये सारी जगह इकट्ठे करके रखे हैं बस। ये अब धीरे धीरे आप पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगे घाट, आप लोग देख ही सकते हो पूरी तरीके से। ये देखो, और ये रहा शिव घाट, और शिव घाट के आप लोगों को थोड़े से दर्शन कराते हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पे जल देख लो, अब जल क्लियर हो चुका पूरी तरीके से, आप लोग देख ही सकते हो। लेकिन इस घाट पर भी श्रद्धालु हमें दिख रहे हैं स्नान करते हुए, देख सकते हो। ये देखिए, ये देख लो यहाँ से रहा शिव घाट के नज़ारे भी देख लो पूरी तरीके से। ये देख, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भी स्नान कर रहे हैं भोले श्रद्धालु लोग, भोले लोग जो भी पहुँचे, ये देख सकते हैं भाई लोग पूरी तरीके से। और देखो घाट पे भीड़ देख लो दोस्तों, इस घाट पे भी पूरी तरीके से देख सकते हो आप। अब चलते हैं थोड़ा हम सामने की ओर, और वहाँ के कुछ दिव्य नज़ारे दिखाते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जल कैसे चल रहा आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखो जल की लहरें आप लोग पूरी तरीके से चेक कर सकते हो। और ये देखो, लेकिन आप धूप बड़ी प्यारी लगी, और धीरे धीरे गर्मी के दिन भी आने स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, आप लोगों को बता दो, धीरे धीरे गर्मी के दिन भी आने स्टार्ट हो चुके पूरी तरीके से। ये देखो यहाँ से दर्शन कर सकते हो, कल कितनी भीड़ थी यहाँ पे आप लोगों ने देखी होगी कल वाली वीडियो में, लेकिन आज कोई भी नहीं जा रहा है। देखो लेकिन आप लोग ऐसी गलती कभी नहीं करें, यहाँ पर जाए नहीं, सामने जो लोग जाते हैं यहाँ पर चैन पकड़ के वहाँ पर स्नान करते हैं, तो वहाँ पर ऐसी गलती आप लोग नहीं करें,
क्योंकि बीच में खड्डे वगैरह हैं तो वहाँ आदमी का पाँव वगैरह धंस जाता है, तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करें बिल्कुल भी। और थोड़ा आपको हम इस ब्रिज के ऊपर चलेंगे और यहाँ से पूरी तरीके से दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ से आप देख लो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या, आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से। यार ये देखो, मुझे तो लगा कि कहीं ना कहीं आज घाट खाली हो जाएंगे, मैं ये सोच के आया था। मुझे लगा आज भीड़ नहीं होगी क्योंकि कल शिवरात्रि थी, मुझे लगा आज भीड़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ आया तो वैसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच के आया था। क्योंकि मुझे लगा खाली होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी, आप लोग देख ही सकते हो वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल भी खाली नहीं है। ये देख सकते हो खाली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्नान करने वाले लोग स्नान कर रहे हैं पूरी तरीके से, आप लोग देख सकते हो आज। ये देख लो दोस्तों, यहाँ से देख लो, ये रहे सामने मालवी घाट के नज़ारे, देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखो, ये रहा मालवी घाट, यहाँ से दिख रहा पूरी तरीके से। और सामने रहा घंटाघर घाट, जो सामने दिख रहा है जो टावर बना है वहीं पे, इसके बगल में उसे बोलते हैं घंटाघर घाट। लेकिन यहाँ से देख लो पूरी तरीके से जल देख रहा है। ये देख सकते हो सामने तक के नज़ारे, देख सकते हो पूरी तरीके से। ये देखो, तो मौसम बड़ा प्यारा हो चुका है, लेकिन आज कुछ भी बोलो मौसम बड़ा अच्छा हो चुका है। धूप निकल चुकी है पूरी तरीके से, आप लोग देख सकते हो सभी घाट के दर्शन कराए, लेकिन भीड़ आज भी काफ़ी है भाई, आज भीड़ भी काफ़ी है, लेकिन मज़ा आया दर्शन करके भाई। और आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते जाएगा, ठीक है भाई। चलेंगे इस तरफ नाई घाट के और वहाँ के आप लोगों को दर्शन कराएंगे इसके बाद, ठीक है। चलो, बड़ी मस्त धूप लगी है भाई, देखा। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अब धनुष वाले पुल की ओर, आप लोग देख सकते हो मेरे सामने रहा धनुष वाला पुल, और इसे बोलते हैं वैसे बड़ी वाली धारा। लेकिन यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो जल किससे चल रहे हो, और जल लेकिन कम है पूरी तरीके से, आप लोग देख लो। ये भाई लोग पूरे रेलिंग के पार गए हैं स्नान करने के लिए, आप लोग देख ही सकते हो, ये देख सकते हो। लेकिन ये नज़ारे देख लो धनुष वाले पुल के पूरी तरीके से। अब चलेंगे हम नाई घाट पर और थोड़ा दर्शन कराते हैं आप लोगों को नाई घाट के। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं नाई घाट पे, एक बार मैंने सोचा आप लोगों को क्यों नहीं नाई घाट के भी नज़ारे करा दिए जाए और दर्शन करा दिए जाए। आप लोग देख सकते हो नाई घाट के दर्शन कर सकते हो पूरी तरीके से, ये देख। और ये देख लो यहाँ पे जल कितना कम कर रखा है नाई घाट पे, देख सकते हो दोस्तों। और सभी घाट पर जल कम है, ये नहीं है कि नाई घाट पर, बाकी और जो घाट है वहाँ पर भी जल कम है पूरी तरीके से। ये देखिएगा और दर्शन करिएगा, सामने तक के नज़ारे देख सकते हो पूरी तरीके से। अब चलते हैं तो आज सभी घाट के आप लोगों को दर्शन करा दिए बढ़िया करके, मज़ा आया आज। लेकिन धूप पूरी तरीके से निकल चुकी है, अब शाम का समय हो चुका है ना, हवा चलनी स्टार्ट हो चुकी है। चलते हैं हम भी आज, बाकी आप लोगों को सभी मेन मेन घाट के दर्शन कराएँ, क्योंकि सामने से धूप पड़ रही है, सामने मुँह पर पड़ रही है ना, इसलिए आपको लग रहा होगा चमक रहा होगा ना, क्योंकि सामने से धूप निकल रही है। बाकी ऐसे भी देखेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्यारा से कमेंट कर देना, और आप लोगों के नई नई अपडेट हमारी द्वार की लाते रहते हैं, फिर से लाएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं फिर से बने रहो वीडियो के साथ।